चले जी आपको गांव की थोड़ी सी सैर कराते हैं। ये देखें जी घोड़ों का शौक है, डंगरां नूं नुहाण वाला कि मेरे नहाण वाला। ये जी स्विमिंग पूल, बड़े वाला स्विमिंग पूल जिसमें आप गर्मियों में अपने जानवरों को नहलाते हैं। और ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से बेशक आप अपने जानवरों को खुला चराने के लिए छोड़ें, यहाँ से पट्ठे उतारें और अपने जानवरों को डालें। ये बने हुए हैं जी पक्के खाल पानी लगाने के लिए। ये बने हुए हैं जी वाड़े जिसमें जानवर, ये अब्दुल्ला भाई के दोस्त हैं, ये उनका डेरा है। तो हम चक्कर लगाने आए हैं, तो मैंने सोचा चले आपको गाँव का व्यू दिखाएं। अब्दुल्ला भाई ये सब्जी कौन सी लगी हुई है ये शटाले की अगली तरफ? मूली है, मूली लग रही है ये, क्योंकि हमारा एरिया मूली की फसल से जाना पहचाना जाता है। तो ये मूली लगी हुई है बेल्ट बना के, और कितनी खूबसूरत लग रही है ये, देखें आंखों को सुकून मिलता है। ये ग्रीन ऊपर सूरज, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत हल्की सी धूप है लेकिन अच्छी धूप है। बड़ा खतरनाक सा डॉगी भी रखा हुआ है इन्होंने, हम भी लेके आएंगे। चले जी आगे चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं अब्दुल्ला भाई के साथ। मुर्गियां शुर्गियां भी रखी हैं, ये पानी का सिस्टम। ये जी बड़े साइज का बतखा, पानी का जानवर, पानी का परिंदा, सॉरी जानवर तो नहीं कह सकते, परिंदा ही कह सकते हैं। सर्दियां हो गर्मियां हो इनको पानी पसंद है। ये देखें जी एक बतखा मेरे आगे भागता हुआ हो गया पानी में, क्या बात है। लें जी आज बतखों को भी तैरता हुआ देखें। ये देखें डुबकियां शुबकियां लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं बड़ी देर से देख रहा था और एक बात को नोटिस कर रहा था, ये पानी के अंदर इस टाइम दो बतखे हैं, एक जो ये वापसी आ रहा है, एक पीछे बड़ा बतखा है। वो बतख को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, ये छोटा बतखा जब जाता है पास तो वो इसको भगा के पानी से बाहर निकाल देता है। ये देखें हम उसके पीछे लग गया, अब उसको मारेगा या वो बाहर आगे बाहर आ जाएगा। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, उसको ये है कि मेरी बतखों पे ये लाइन ना मारे, वो दोनों बतखों को मैं ही काबू में रखूं। बड़े जानवर का यही होता है कि वो जो छोटा होता है उससे एज में या उससे जो डरता है या उसके दाबे हो जाता है उसको वो नहीं बतखों के करीब आने देता। वो कहता है मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ, मेरी हुक्मरानी होनी चाहिए। तो ये बेचारा अब बाहर आके साइड पे बैठे हैं। क्या खा रहे हैं? ये जाले नहीं है ये ग्रीन से? हाँ ये खा रहे हैं। अच्छा फंगस, लो जी ये सारे बाहर आ गए, बतखें बाहर आई हैं। तो बतखा भी आ गया कि मेरी बतखों पे छोटा बतखा लाइन ना मारे कहीं। ये ले जी बड़ा बतखा बाहर ही बैठा है, ये पता नहीं क्यों नहीं अंदर जा रहा, इसको क्या मसला है? तुम भी नहा लो थोड़ा सा। चलें जी यहाँ पे क्रिकेट का मैच लगा हुआ है, अब हम यहाँ पे खेलते हैं क्रिकेट 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 क्रिकेट। हाँ हो जाए मुकाबला, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। चलो जी अब गाइस हमारा क्रिकेट शुरू होने लगा। ये हमारे मामू, मामू के साथ हम खेले मोटरसाइकिल पे गांव की गलियों में अब्दुल्ला भाई के साथ घूमते फिरते हुए। ये देखें जी लोगों ने अपने डेरों के लिए रास्ते निकाले हुए हैं, पहली चीज सारी पहलियों को खत्म करके बीच में से सड़कें निकाल दी। बारिश हुई है कल परसों दो दिन, उसके बाद जो है मौसम बड़ा खुशगवार है। ये देखें आजकल लगी हुई हर तरफ कनक, कनक का सीजन है, ये दो महीने तक जो है ना कनक इंशाल्लाह नई कनक आ जाएगी। तो ये अब हम गांव से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई के दोस्त के डेरे पे आए हुए थे, अब हम यहाँ से निकल के अपने डेरे पे जा रहे हैं। ये देखें जी माहौल, ग्रीनरी चेक करें कितना प्यारा
साफ सुथरी आबो हवा है, कोई पोल्यूशन नहीं है। ये लोगों ने जानवर बाहर ही बांधे हुए हैं। गांव की देहात की जिंदगी जो है वो बड़ी मजेदार जिंदगी है।